रहमत रमजान ट्रांसमिशन प्राइम टीवी प्राइम कैनेडा टीवी से इस वक्त आप लाता फरमा रहे। मैं हूँ आपके होस्ट आमना सुल्तानी और मेरे साथ हमेशा की तरह जावेद वटू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब आप? उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे हमेशा की तरह शाद होंगे, आबाद होंगे और अपनों के संग ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी मोहब्बतें जनाब आपका नसीब हों। तो आज की हमारी जो ट्रांसमिशन है रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आप जिनको सुनना चाहते हैं, जिनको देखना चाहते हैं सनाखान मुस्तफ़ा, उनको हम स्टूडियो में दावत देते हैं। और यहाँ पे जो सिलसिला होता है, आपकी बहुत सारे दोस्त की ये फरमाइश भी आती है कि फ़लाँ नात जो है ना वो या फलां कलाम जो है वो पेश किया जाए, तो हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो आप डिमांड करते हैं तो उसको भी पूरा किया जाए। तो आज भी जनाब हमारे साथ आमना स्टूडियो में खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उनका जो है ना तारफ़ कराएँ। हाँ जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मेहमान हैं। आओ मेरे दोस्तों सरकार की बातें करें, आओ मेरे दोस्तों सरकार की बातें करें, आमना के लाल के दीदार की बातें करें। और हो जाते हैं जिससे दिलो जाँ मुअत्तर दफ़तन, हो जाते हैं जिससे दिलो जाँ मुअत्तर दफ़तन, आपकी उस जुल्फ़े अंबर बार की बातें करें। और दिल को ताबानी अता करता है रूए वद्दुहा, दिल को ताबानी अता करता है रूए वद्दुहा, मुस्तफ़ा के गेसुए खुबदार की बातें करें। और जो नबी के साथ ठहरा तीन दिन तक गार में, जो नबी के साथ ठहरा तीन दिन तक गार में, आपकी उस खूबसूरत यार की बातें करें। और जिसे देखकर शैतान बदल दे अपना रास्ता, जिसे देखकर शैतान बदल दे अपना रास्ता, आओ उस फारूक के जर्रार की बातें करें। माशाल्लाह से हमारे साथ जो मेहमान हैं बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं, और उनमें से एक जो हमारे मेहमान हैं वो नात को शायर हैं, उन्हें आप जानते हैं और आपकी भरपूर इसरार पर फिर से उन्हें हमने दावत दी है। माशाल्लाह से हमारे साथ है करामत अली हुसैनी। कादी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं। और हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं वो भी बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, उनका अंदाज़ पढ़ते तो सभी हैं लेकिन जब वो पढ़ते हैं तो बड़ा एक नायाब सा अंदाज़ है, बड़ा अलग सा अंदाज़ है दूसरे पढ़ने वालों से उनका। और हमारे साथ हैं मोहम्मद अकमल कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं। माशाल्लाह से आप दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और खूबसूरत कलाम भी आपसे सुनेंगे, क्यों वटो साहब? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि अपने पुरकैफ अंदाज में जिस लय के साथ जो अकमल कादरी साहब हैं और अपना जो आदिया कलाम है वो पेश करें। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहाँ में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप ज़ादों जहाँ में नजर आया ही नहीं। और आपने जब से नवाजा गए या रसूल अल्लाह,
आपने जब से नवाजा गए या रसूल अल्लाह, मैंने दाम किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, मैंने दाम किसी चौखट पे बचाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सादों जहां में नजर आया ही नहीं। और बड़ा खूबसूरत शेर जी काम का समाप्त फरमाए, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सादों जहां में नजर आया ही नहीं। और वक्ता समाज फरमाए के आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है, आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है, इस निकम में ने तो कुछ और कमाया ही नहीं, इस निकम में ने तो कुछ और कमाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सादों जहां में नजर आया ही नहीं। माशाल्लाह से आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे कारी अकमल कादरी साहब। और कहते हैं ना कि कद 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 काठ सोना ते बनतर बनावट, कद काठ सोना ते बनतर बनावट, होई खत्म सोने ते सारी सजावट, मुसव्वर ने मासा कसर भी नहीं छड़ी, बड़ी रीज दे नाल तस्वीर खिची, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़। बेशक बेशक, क्या खूबसूरत अंदाज है अमना आपका भी, और माशाल्लाह उन्होंने जो एक कैफियत तारीफ कर दी है, जो एक कैप और सरूर की एक कैफियत है, और जिस अंदाज से उन्होंने मदह सराई की, तो ये है ना कि उनके दर का फ़कीर हूँ,
जिनकी नौकरी ताजेदार करते हैं, तो ये भी एक होती है मोहब्बत होती है कि उनके दर का फ़कीर हूँ जिनकी नौकरी ताजेदार करते हैं। और इस जनाब ये हमारा जो सिलसिला है रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन, जिसमें हमारे दोस्त हमारे साथी शामिल हैं, तो आपको ये ट्रांसमिशन कैसी लग रही है उसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। तो आमना अब हम बढ़ रहे हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की तरफ, तो कहीं नहीं जाइएगा जनाब, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रमजान सलाम।